हेलो एवरीवन, मेरा नाम अहमद हुसैन, आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद हुसैन डब्ल्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिज्यूम कैसे बनाना है। कहीं कहीं आप कंपनी में जाते हैं, सबसे पहले आपसे रिज्यूम मांगा जाता है, तो आप लोग सोचने लगते हैं कि मतलब रिज्यूम कैसे बनाएं, कहाँ से बनवाएं, किससे बनवाएं, कैसे बनाना चाहिए, कैसे होता है, सोचने लगते हैं आप। तो दोस्तों, तो आप जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, CSC सेंटर पर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बना के देंगे। अगर आप लैपटॉप से खुद से बनाते हैं तो MS वर्ड या पावर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत समय लगता है दोस्तों। सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ आज, मोबाइल से कैसे बनाना है, वो भी शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर चलते हैं और वहाँ पे प्ले स्टोर में सर्च बार पे सर्च करेंगे इंटेलिजेंट CV। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मेरा डाउनलोड है, यही आपको लोग को करना है। रिज्यूम बिल्डर इंटेलिजेंट CV आप लिखेंगे तो इस पर ये देख लीजिए लोगो, यही वाला आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों मेरा डाउनलोड है, इसलिए हम ओपन करेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन खुल रहा है, देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, क्रिएट का और डाउनलोड का, और ये है जब आप रिज्यूम बना ले आप किसी को शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेटिंग को देख लेते हैं, सेटिंग में क्या क्या है। पेपर साइज A4 है दोस्तों, और लेटर है तो आपको A4 ही रहने देना है, आप बैग चले जाइए। डाउनलोड पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऐड आ गया, ऐड को कट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप जो कोई रिज्यूम बनाएंगे तो डाउनलोड में आपका आ जाएगा जब डाउनलोड करेंगे आप। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप रिज्यूम बनाने के लिए आप इस पर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट पर। तो दोस्तों क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये आपको दिख रहा है प्लस का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल होगी, उसके बाद एजुकेशन डिटेल होगी, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, फिर स्किल होगा, और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेफरेंस, फिर मोर सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट, जो भी दोस्तों जितना आप ऐड करना चाहें उतना आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप अपना जो भी नेम है अपना नेम डालेंगे, यहाँ पे दोस्तों एड्रेस डालेंगे, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ नीचे फ़ोन नंबर डालेंगे, और यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करके आप नीचे आ के सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद आप फिर बैक जाएंगे, उसके बाद आप एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे आपको करना है, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन एजुकेशन सेक्शन, और देख लीजिए टाइप ऑफ डिग्री, फील्ड ऑफ स्टडी, द नेम ऑफ द योर स्कूल, लोकेशन योर स्कूल इंस्टीट्यूट, GPA, योर फील्ड स्टडी, ग्रेजुएशन ईयर ऑफ एप्लीकेशन। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आपने MA किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, बैचलर किया है, इंटर किया है, स्कूल का जो भी किया आप इस तरह से डालना है। आप स्कूल का नाम डालेंगे, कौन सा बोर्ड है वो डाल सकते हैं, स्कूल का एड्रेस भी डाल सकते हैं, और किस ईयर में आपने किया है, रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको बैक करेंगे, एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कोर्स डिग्री, मान लीजिए यहाँ पर आप कोर्स डिग्री मान लीजिए हाई स्कूल करा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल लिखेंगे, यूनिवर्सिटी डालना है आप स्कूल का नाम डाल देंगे जो भी है, ग्रेड कौन सा था, स्कोर क्या था वो आप डाल देंगे, ग्रेड AB जो भी हो, स्कोर AB जो भी हो वो डाल देंगे, ये किस ईयर में आपने किया है वो आप डाल देंगे। मान लीजिए आपने हाई स्कूल ऐड कर रखा कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल कौन से साल में पास किए हैं, तो 21 में किए हैं, तो 21 में, 20 में किए हैं, 20 में जो भी हो, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद फिर बैग आके आप एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे, इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे,
अगर आपको जानकारी है भरने की तो आप भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं किस तरह से आपको दिखाना है। तो बैक जाके आप एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कंपनी नेम डाल देंगे, कंपनी नेम, उसके बाद जॉब टाइटल क्या है आपका, अकाउंटेंट है क्या है, किस डेट से आप लगे हैं उस डेट को आप डाल देना यहाँ पे, उसके बाद कब तक रहेंगे या कब हटें वो डाल देना आपको, उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल डाल देंगे, उसके बाद फिर सेव कर देंगे, उसके बाद फिर बैक आके आप स्किल पे क्लिक करेंगे। स्किल पे क्लिक करने के बाद इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग और सेल्स, ये सब देख लीजिए, इसको आप देख के स्किल में आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फोर फाइव तक। उसके बाद इसको बैक आ जाएँ, ऑब्जेक्टिव देख लें, इसका भी एग्जांपल देख लें दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम हाईली ड्राइविंग रिसेंट बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट स्पीकिंग फुल टाइम पोजीशन इन फाइनेंस वेयर आई कैन लर्न माय नॉलेज ऑफ मार्केट एनालिटिक्स टू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अलग अलग देख लीजिए लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से अपने वर्क के हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस पे आ जाइए, एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद रेफरेंस पे आके ऐड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे नाम डाल दीजिए, जॉब क्या करे तो डाल दीजिए, कंपनी की मोबाइल नंबर ईमेल सब यहाँ पे डाल के आप सेव करके उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर मोर ऑप्शन पे आ जाइए, प्रोजेक्ट देख लीजिए, फिर ऐड मोर, अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, डिप्लोमा स्किल कोई भी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप व्यू सीवी भी करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऐड आएगा, इसको ऐड आपका 5 सेकंड का रहेगा, उसको आप देखना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्री ऐप जो होता है आपको यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग फॉर्मेट में देख लीजिए आपको रिज्यूम मिल जाएगा, यहाँ पे किस फॉर्मेट में आप एडिट करना चाहते हैं, जो डिटेल आपने भरा है वो किस फॉर्मेट में आप चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। आप फ़ोटो लगाना चाहते हो फ़ोटो लगाएं, ना लगाना चाहते हो ना लगाएं, लेकिन इसमें जितना भी रिज्यूम है सब में फ़ोटो लगाओ तो आपको फ़ोटो अपलोड करना ही पड़ेगा। ये ऑल में आ गए, प्रोफेशनल में आ जाइए, देखिए प्रोफेशनल में देख लीजिए ऊपर लेटेस्ट में चार रिज्यूम दिया हुआ, उसमें फ़ोटो नहीं लगा। मॉडर्न में आ जाइए, ये देख लीजिए ऑल में आपको सब मिल जाएगा दोनों के साथ, जिस तरह का आप चाहिए, मान लीजिए आपको ये वाला चाहिए ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों फिल मिसिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने कुछ भरा नहीं डिटेल, तो वही जब आपको सब डिटेल भरा रहेगा तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे रिज्यूम आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप बैक आ जाइए, आपको यहाँ पे पहले बताया था डाउनलोड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर 5 सेकंड का ऐड आएगा, इसको आप कट कर देंगे, डाउनलोड में आपको दिख जाएगा, यहाँ से आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।